शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, अयोध्या से एक खबर, क्योंकि अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायकों ने आज रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यह पहला मौका है जब पूरी योगी कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में वो पहुंचे। आपको बता दें कि श्री राम के भव्य मंदिर में रविवार को योगी सरकार ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित दिखाई दिए और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। सभी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री नतमस्तक नजर आए रामलला के सामने। और ये वही तस्वीर है अयोध्या से आपकी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर और साथ साथ में तमाम मंत्रीगण, कैबिनेट के साथ विधायक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, अयोध्या से राम मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पर न केवल दर्शन किए गए इन सभी विधायकों के द्वारा बल्कि भजन कीर्तन करते हुए भी सभी विधायक नजर आए। फिलहाल 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और रामलला के दर्शन करने की अलग अलग तस्वीरें, जहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बसेस के जरिए, क्योंकि ये कहा गया था सभी विधायकों से कि फिलहाल सभी लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के लिए सही रखना बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस बीच अगर सभी लोग अपने निजी वाहन से जाएंगे तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा, इसलिए सभी विधायकों को, मंत्रियों को यहाँ पर बस के जरिए भेजा गया। लग्जरी बसेस के जरिए सभी मंत्री और विधायक पहुँचते हैं, उसके बाद फूलों के साथ में, पुष्प वर्षा के साथ में सभी का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर राम नाम के नारे लगाए गए, जयकारों के साथ में अयोध्या नगरी गूंजती हुई नजर आई। और साथ साथ में तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां की गई। और इस बीच योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, सभी ने रामलला के दर्शन किए और दर्शन पूजन के साथ, और देखिए एक अनोखे अंदाज में सभी जो प्रशंसक हैं भारतीय जनता पार्टी के और समर्थक हैं, वो जेसीबी मशीन के ऊपर, यहाँ पर क्रेन के ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके से पुष्प वर्षा की गई हो, जब मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से पुष्प वर्षा की गई हो। फिलहाल 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिनमें से लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर फूलों की वर्षा के साथ में, मालाओं के साथ में सभी मंत्रियों का, विधायकों का स्वागत किया गया और फिलहाल सभी ने दर्शन किए। और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद रहे, पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत किया गया। इस बीच प्रतिक्रिया भी सभी लोगों के सामने आई, जिसमें बताया गया कि कैसे उनके दर्शन पूजन रहे। हालांकि सपा के सभी नेताओं, विधायकों के द्वारा यहां पर दूरी बनाए रखी गई। आपको बता दें तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में सभी ने दर्शन पूजन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ में राम जन्मभूमि में दर्शन किए। और फिलहाल वही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, राम दरबार में विधानसभा स्पीकर सतीश महाना मौजूद रहे। बीजेपी के विधायकों के अलावा रालोद के 9 विधायक, निषाद पार्टी के सभी 11 विधायक और सुभाजपा के सभी 6 विधायक, अपना दल एस के भी 6 विधायक और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। देखिए भगवान श्री रामलला का दिव्य दर्शन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व तो है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी, आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार, 2047 तक विकसित भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने, भारत गरीबी से मुक्त बने, सही मायने में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली आवे, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना वर्षों की आस्था का केंद्र आज रामलला जी के यहाँ विराजमान के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है और आप देख सकते हैं देश दुनिया की नज़रें अयोध्या नगरी में, और ये भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण और करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान, वो दिन पूरा हो गया। देखिए मैं बहुत भावव्यल हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो
6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। बहुत हम यही कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं, और इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। निश्चित रूप से जो भारत के भाव में है, भारत के भाव में है वासुदेव कुटुंबकम, प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब ने मत्था टेक करके प्रदेशवासियों का कल्याण, देशवासियों का कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने मत्था टेका है। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रतिक्रिया भी योगी कैबिनेट के मंत्रियों की और विधायकों की हमने आपको दिखाई और सुनवाई कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है। लखनऊ से सभी विधायक यहां पर लग्जरी बसेस के जरिए रवाना हुए और उसके बाद अयोध्या में पहुंचते हैं। 12:30 का वो समय जब सभी लोग पहुंचते हैं, और देखिए तस्वीरें बेहद खूबसूरत, जब यहां पर दर्शन पूजन किए गए और राममय माहौल देखने को मिला। इस बीच आपको बता दें कि लखनऊ से 10 लग्जरी बसेस में बताया जा रहा है कि अयोध्या ये सभी मंत्री और विधायक पहुंचते हैं। पूरे रास्ते बसों में गूंजती रही रामधुन और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला के दर्शन किए। मंदिर परिसर में बैठकर पूजा पाठ भी किया गया और उसी पूजा पाठ की तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ को देखकर लोगों ने जय श्री राम के नारे भी खूब लगाए, फूल बरसाए, राममय पूरा माहौल देखने को मिला। और समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी दल के विधायकों ने यहां पर आज दर्शन किए। समाजवादी पार्टी ने दर्शन करने से इंकार किया और दूरी बनाए रखी, और उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया कई सारी सामने आई। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर तमाम जो योगी कैबिनेट के सदस्य थे वो पहुंचे, और साथ साथ में विधायक दल भी पहुंचा, मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे, स्पीकर भी मौजूद रहे। आपको डिटेल में बता दें कि रामलला के दरबार में विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना मौजूद रहे, बीजेपी के विधायकों के अलावा यहां पर विपक्ष के भी कई सारे विधायक मौजूद थे। सपा को छोड़कर रालोद के 9 विधायक, निषाद पार्टी के सभी 11 विधायक, सुबासपा के सभी 6 विधायक, अपना दल एस के सभी 6 विधायक और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अध्यक्ष राजा भैया भी विधायकों के साथ में अयोध्या पहुंचे और रामलला के उनके द्वारा दर्शन किए गए। सपा विधायकों ने पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत रामलला के दर्शन करते हुए, और उसके बाद देखिए दूसरी जो सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार हुई या फिर वो मध्य प्रदेश सरकार हुई, उन सबके मंत्री और विधायक भी यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए कुछ इसी तरीके से आने वाले दिनों में पहुंचने वाले हैं।